हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है सीएनडी का जो पेपर हुआ था, ठीक फरवरी मंथ में हुआ था 2019 में, तो उन्हीं का जो है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पूरे रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई देखिए, रीजनिंग का जो पेपर का जो लेवल होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है कैसा होता है, और आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 को लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनका भी पोस्टपोन होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, जो पोस्टपोन होंगे उनका जो पेपर डिले होकर होगा, लेकिन डेफिनेटली पेपर तो होना ही है। आप लोग अभी से प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि आपको अभी प्रैक्टिस छोड़ देनी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा निखारता, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स, है ना। तो आइए फटाफट इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और ये क्वेश्चन जो है आपको ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले की अगर हम बात करते हैं, अगर 2018 से पहले की हम बात करते हैं तो पहले पेपर ऑफलाइन आता था, लेकिन 2000 अगर बात करें 18 से बात करें तो ये पेपर जो हो गया ऑनलाइन हो गया। तो चीज़ें कुछ खास नहीं बदली, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहा है, सिर्फ पेपर जो ऑफलाइन होते थे वो ऑनलाइन हो गए, है ना। इसके बाद जो होगा रीजनिंग के बाद आपका जो होगा जीके जो 50 क्वेश्चन के थे वो भी इस वीडियो को अपलोड करूँगा। उसके बाद आपका इंग्लिश जो 100 क्वेश्चन के थे वो भी अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि पेपर के लेवल कैसे होते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्या लिखा है, असंगत संख्या युग्म का चयन करें। सिंपल है, चार ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको ऑड वन चुनना है। तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड में अगर देखते हैं तो ये 46 है और ये 32 है। इसको क्या किया गया, पहले तो इसको अपोजिट किया गया, 23 किया गया, और इसका मल्टीपल है क्या, इसका मल्टीपल है 46। मीन्स कि इसको 32 को यहाँ पे 23 किया गया और इसका मल्टीपल है 46। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका होगा इसका आंसर, ठीक। चलिए, फिर कहा गया है कि असंगत वर्ण ज्ञात करें। मीन्स कि यहाँ पर लेटर दिया गया है BPNI। अब इसमें से बताना है कि इसमें से ऑड वन और ऑड वन कौन है, ठीक है, इनमें से कौन सबसे भिन्न है। तो सभी पता है दो का, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। अब इसमें आप कॉमन क्या देखते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं कि सभी भाई इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। फिर से अगर सवाल देखने को बनता है भाई कि एक सीरीज रहेगा, लेटर वाले सीरीज रहेगा, उसको आपको करने बहुत आसान होता है ना। अगर हम जेड से अगर स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट, इसका जेड हो गया, इसका अगर देखते हैं तो एक्स लेते हैं, इसका भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, है ना। जेड का प्लेस वैल्यू सभी को पता है कि क्या होता है, 26, एक्स का 24, भी का 22। तो भाई इसके बाद क्या, 2 कम हो रहा है सभी में, है ना, 2 कम हो रहा है, तो 2 कम करेंगे तो क्या इसके बाद क्या आना है, 2 कम करने पर आता है 20। 20 का प्लेस वैल्यू टी, मीन्स के स्टार्ट जो होगा वो टी से स्टार्ट होगा, फोर्थ नंबर आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, मिरर इमेज से क्वेश्चन आते हैं। तो मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस मिरर का अगर बात करें, इस इमेज का मिरर इमेज होगा तो आपको जो एरो इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये एरो कन्वर्ट होके कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, इस तरह से बनेंगे, तो ये बनेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इसका जो सिंबल है वो भी चेंज होगा, तो उस हिसाब से, सिंबल के हिसाब से थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक। और इसमें जो ट्रायंगल में जो यहाँ पे कलर किया गया है वो भी चेंज होगा, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। खैर, ये तो कलर आपका चेंज नहीं होगा, कलर तो सेम का सेम रहेगा, तो इसमें आपका सेम का सेम रहेगा। चलो, ऐसे भी रीजनिंग देखने को बनेंगे भाई, क्या रहेगा कि आपका कुछ वर्ड रहेगा, या तो एंटो सैनो हिंदी में, इंग्लिश में समानार्थी शब्द, विलोम शब्द जैसे सवाल यहाँ पे दे दिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सविनय का, यहाँ पे जो साइनो होगा, सिनोनिम होगा, वो क्या होगा, विनम्र होगा, सविनय का विनम्र। तो निराश्रित का क्या होगा, वो होगा उसका समानार्थी गरीब। चलिए, अब सवाल आते हैं नीचे दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, ठीक है, लेकिन एक अलग कौन सा है। अब देखते हैं यहाँ पे सजाना, अलंकृत करना का मतलब भी सजाना और सजाना,
तीनों वर्ड में एक ही चीज़ समझ में आता है, सजाना, लेकिन एक वर्ड जो है विध्वंस करना मीन्स की तोड़ फोड़ मचाना, है ना, ये अलग हो गया। फिर सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 रहते हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत ईजी वे में आप कर सकते हैं। तो इस नंबर सीरीज का क्या है भाई, देख लीजिए क्या यहाँ पे लूप चलाया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल तो हो तो जाता है, लेकिन डिफरेंसेस मल्टीपल के बाद का जो है डिफरेंसेस अलग अलग आ रहे हैं, तो आप इसे आप क्या कर सकते हैं, एडिशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन को भी देख सकते हैं। जैसे इन दोनों का गैप 1 का है, इसका 9 का है, इसका गैप कितने का है 25 का, और इसका गैप है 49 का, और इसका गैप कितने का आ रहा है भाई 81 का। अब सबको समझ में बात आ गया कि अब क्या इसमें कुछ करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, 1 का स्क्वायर 1, 3rd का स्क्वायर ये है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, अगली बार क्या होना 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर को इसमें ऐड कर देंगे, 169 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 169 था, है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐड नहीं करना है अभी, अभी इसमें ऐड नहीं करना है, 10 का क्या होगा 100 यहाँ पे आएगा ना, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, तो 81 को इसमें ऐड किया तो 116 आया। अब क्या होगा, 1 2 3 3 2 5, 5 2 7 7 2 9 9 2 11 होना है ना यहाँ पे, ठीक है, 11 होना है, ये नहीं 11 का स्क्वायर 121 होगा। अब 121 को इसमें ऐड कर दें 169 में क्या होगा 290 इसका आंसर होगा। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा भाई कि कोई 8 यहाँ पे जो है कि व्यक्ति है वो गोलाकार मेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से बैठा हुआ है, एक गोलाकार मेज है जिसमें कि 8 व्यक्ति बैठे हैं, और कहा क्या गया भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, उनकी स्थिति जो है दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त मीन्स कि क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, अच्छी बात है। यदि सी को पूरब में बैठाया गया मीन्स कि पूरब में यहाँ पर बैठाया जाएगा, और क्लॉकवाइज की बात की गई है, जाहिर सी बात है ए से स्टार्ट होगा तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और आपसे पूछा गया कि जी की दिशा क्या होगी, तो जी का दिशा आपको पता चल रहा है कि ये अगर ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में होगा, पश्चिम में होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते ही भाई कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा, फिर से लेटर्स को यहाँ पे सजाना है, है ना, लेटर को क्या करना है यहाँ पे सजाना है, बहुत ही आसान है। देखिए जे यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला लेटर मैंने लिया, एल लिया, एन लिया, अब उसके बाद देखेंगे क्या लेंगे, जे का प्लेस वैल्यू 10 12 14, अब की क्या होगा 10 का गैप चल रहा है, दो दो का गैप चल रहा है, अब की 16 होगा तो 16 का जो प्लेस वैल्यू होता है पी, तो चलिए पी तो पहला वर्ड मिल गया हमें, है ना। उसके बाद बी का देख रहे हैं, सभी में बी अपने पोजिशन पर है, तो यहाँ भी अपने पोजिशन में बी होना चाहिए था, तो पी के बाद आना चाहिए बी, और एक ही हमें ऑप्शन दिखता है वो है 4th नंबर ऑप्शन, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से लेटर सीरीज वाला है, बी है, डी है, फर्स्ट लेटर मैं लिख रहा हूँ, सभी जो 4 लेटर के जो सीरीज उसका फर्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एफ, उसके बाद क्या आएगा, बी का 2, इसका 4, इसका 6, अब की जाहिर सी बात है कि 8 आएगा, 8 का प्लेस वैल्यू एच होता है, एच से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों तो एलिमिनेट होकर बच के अभी 2 मिल चुके हैं, अब एक और हमें लाना है। तो सी का प्लेस वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 3 होता है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 होता है, 3 2 5, और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो 3 2 5 2 7, अब की 9 होगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है आई होता है, आई किस में है, सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अब सवाल आते हैं कि उस सही विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, फिर से लेटर सीरीज, ठीक है, तो जी के ओ, जी का 7, के का 11, इसका 15, 7 4 11 4 15 4 19, 19 का प्लेस वैल्यू होता है एस, एस से स्टार्ट है, सही है, लेकिन जी का, जे का यहाँ पे 10 होता है प्लेस वाले, यहाँ पे एल का 12, 10 2 12, एन का 14, फिर दो दो की सीरीज बढ़ रहा है, तो एन के बाद क्या आना चाहिए था, एस के बाद पी आएगा, और पी में सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि 1 शब्द अलग है, ठीक है भाई। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पार्क की बात करें, स्कूल की बात करें, मंदिर, यहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, कोई भी लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर सभी लोग नहीं आते, जिनका घर है
जिनका घर है वही आएंगे, मीन्स कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑड वन करना है भाई। अब देखिए यहाँ से आपको एक और टेस्ट ले लिया गया। टेस्ट क्या लिया जाता है, कई बार आपको मेल फीमेल से रिलेटेड चीज़ें पूछ दिया जाता है, कई बार आपको उसके जो है यंग वन से रिलेटेड चीज़ें पूछ दिया जाता है। यहाँ पे चीज़ें देख रहा होगा कि यहाँ पे एक यंग वन से रिलेटेड है, ये तीनों ऑड हैं और एक ये है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हेन का जो हेन के बच्चे को क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉमन कॉमन नहीं है बल्कि एक ऑड है, बाकी सब अलग अलग सेट हो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, बस एक ही यहाँ पे अलग दिखता है कि ये कहीं ना कहीं किसी यंग वंस का यहाँ पे बात किया गया है। चलिए अब फिर से एक नंबर सीरीज की क्वेश्चन आ गया। तो हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने दो से तीन या चार ऐसे पूरे 50 क्वेश्चन का सेट में तीन से चार सीरीज के क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं, इसलिए सीरीज पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए अब इसमें हम एक चीज़ गौर करें कि भाई इसमें क्या क्या चल रहा है। तो अगर हम दो का देखें, चार का देखें, सात का देखें, ग्यारह का देखें, ये लूप, क्योंकि एक गैप किससे चल रहा है, तो दो में दो का गैप, इसमें तीन का गैप, इसमें चार का गैप, अब की पाँच का गैप, 11 5 16, आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए फिर से कहा गया है, अब यहाँ पे एक नंबर को सजाया गया, अब आपको इसमें से और ढूंढना है। अब देखिए चार और तीन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आता है, 9 और 5 को ऐड करते 14 आता है, कहीं ना कहीं ये मल्टीपल है किसका, दो का, है ना। उसी तरह अगर तीन का देखें, दो का देखें, एक और 9 का देखें, ये दोनों को ऐड किए तो 10, इन दोनों को ऐड किए 5, और ये किसका है, मल्टीपल 2 का, ठीक है। उसी तरह दो और एक को देखते हैं जो ऐड करते हैं 3, और 5 एक को ऐड करते हैं 6, ये भी मल्टीपल है, लेकिन 8 5 13 इसको करते हैं 5 8 को तो 13 आता है, और 26 को ऐड करते 8 आता है, ये मल्टीपल नहीं है, मीन्स की ऑड वन ये है, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे एक एक मैथमेटिक कैलकुलेशन रहेगा, उसमें कहा जाएगा कि आपको प्लस का माइनस से चेंज कीजिए इंटरचेंज, या गुना का प्लस से इंटरचेंज कीजिए, तो इंटरचेंज करने पर वैल्यू सेम आना चाहिए, तो थर्ड वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए, जहाँ पे माइनस वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, जहाँ पे डिवाइड हुआ माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, है ना। अब देखिए अब इस तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है भाई, डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे अगर एरो की बात करें, यहाँ पे एरो ऐसे गया फिर ऐसे गया, सेकंड वाले में यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं एक क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री का ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब आया तो यहाँ तो 90 डिग्री हुआ, मीन्स की 1 कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे आते आते ये 45 का हो जाता है, मीन्स की हाफ हो जाता है, फिर यहाँ जब आता है तो फिर से 1 हो जाता है, फिर से 90 डिग्री, और यहाँ आते थे फिर से हाफ हो जाता है, तो अब की फिर से क्या होगा, 1 होगा, तो 1 के लिए फिर क्या होगा, एरो यहाँ पे आना चाहिए, मीन्स की जो बॉक्स है वहाँ पे एरो यहाँ पे आना चाहिए, एरो यहाँ पे आने के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन होगा, वो होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। फिर से लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में क्या है भाई, ए है, बी है, सी है, डी है, इस पर ई होगा, कॉमन से बात है, के है, एल है, एम है, एन है, अब की ओ होगा, है ना, ई होगा, ओ हो गया, टी यू बी डब्ल्यू, अब की एक्स होगा, तो आंसर थर्ड नंबर हो गया, है ना। चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलॉग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है, ठीक है, और कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को सिलॉग आता भी नहीं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे इसे बनेंगे। सभी सफ़ेद गुलाबी है ना, सभी जो वाइट हैं वो क्या है, पिंक है, और सभी जो हरे हैं वो भी पिंक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष बताना, सभी कुछ गुलाबी हरे, कुछ गुलाबी, ये जो पूरे के पूरे यहाँ गुलाबी, उसमें से कुछ गुलाबी हरे सही है, कुछ गुलाबी सफ़ेद है, पूरे गुलाबी में से कुछ सफ़ेद है, हाँ सही है, मीन्स कि दोनों का दोनों निष्कर्ष सही है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। फिर आते सवाल पे कि भाई सभी पुस्तक अंगूर है, मीन्स कि सभी बुक क्या है, ग्रेप्स हैं, और कुछ ग्रेप्स क्या है भाई, फ्रूट हैं, कुछ ग्रेप्स फ्रूट हैं, कोई भी अंगूर पुस्तक नहीं, कोई भी ग्रेप्स बुक नहीं, अगर एक ही लूप में अगर निगेटिव की बात करा जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, कुछ अंगूर पुस्तक हैं, कुछ ग्रेप्स बुक हैं, सही है, मीन्स की सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, मीन्स की ऑप्शन 1 होगा, लेकिन सेकंड जो निष्कर्ष है वो फॉलो करेगा।
अब इसमें देखते हैं क्या ऐसा चीज़ किया गया भाई, कैसा लॉजिक सेट किया गया है। इन तीनों को ऐड कीजिए, 8 3 9 1 10, 10 में एक ऐड करते 11 बनेगा, है ना। 10 में 8 1 9, सॉरी यहाँ पे गलत ऐड हो गया, 8 1 9 3 12, तो 12 में एक ऐड करेंगे तब बनेगा 13, और ये 13 का क्या है स्क्वायर है 169। इसमें भी सेम, इसमें भी वही चीज़ होगा, 3 2 5 1 6, 6 में एक ऐड करते हैं 1 तो बचेगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तब बनेगा 49। लेकिन अब थर्ड नंबर ऑप्शन में आइए, 9 1 10 2 12, तो 12 का सीधे स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है ना, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है जो है आपको फिर से एक हिंदी से रिलेटेड आपको रीजनिंग बना दिया गया, जैसे दयालु का काम ही होता है परोपकारी का काम करना, उसी तरह विलापी कौन करता है, जो दुखी व्यक्ति हो तो विलाप करते हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर से देखिए सीरीज, कुल मिला के यहाँ पे 3 से 4 सीरीज देखने को मिल गया। अब इस सीरीज को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को अगर देखते हैं कि किस तरह से सेट किया गया, तो इस पर फोकस करते हैं, तो देखिए क्या हमें दिखता है, हमें ये दिख रहा है कि भाई अगर 4 और 16 को देखते हैं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होगा 6 का, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है 36, एक छोड़कर फिर से 8 का स्क्वायर 64, एक छोड़कर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको 4 ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे, एक ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जो कि 3 रिलेट करेगा एक ऑड होगा, स्वर्ण प्लैटिनम चांदी, ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन मानिक एक अलग पत्थर की तरह काम करता है, इसलिए इसे ऑड वन माना गया। अब इसे अगर फिर से बताया कि नॉन वर्बल रीजनिंग जैसा दिया रहेगा, अब यहाँ पे देखिए सभी फिगर में एक चीज़ कॉमन क्या दिखता है, सभी फिगर में कॉमन क्या दिखता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सजाना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल आता है भाई कि डायरेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर राइट गया, फिर वेस्ट गया, मीन्स किस तरह से करके लेफ्ट राइट करके आपको बनाने बहुत ईजी होते हैं, आप इसे कर लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए कि आपको बोला गया प्लस के जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस के जगह पे प्लस करना है, मीन्स कि अगर प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई का साइन रख देते हैं, माइनस के जगह पे प्लस का साइन रख देते, तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया वहाँ पे आप चेंज करें, उसके बाद आप आंसर निकाल लें, है ना, उसके बाद आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे अगर चाहें तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। चलिए क्या क्या गया भाई कि 6 प्लस के जगह पे यहाँ बोला गुना करने के लिए, मैंने लिख दिया, माइनस के जगह पे क्या कहा है प्लस करने के लिए, कर दिया, और डिवाइड के जगह पे कहा है कि माइनस कर दीजिए, मैंने कर दिया, और मल्टीपल के जगह पे क्या कहा है भाग कर दीजिए, मैंने कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप सेट कीजिए कि सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मार्क्स के यहाँ पे रूल लगाइए और उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट जो सवाल है इसी तरह का सवाल है, आपको फिर से यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का रूल यहाँ पे लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए, 2 मिनट के 10 से 15 सेकंड में आपके पास आंसर होगा। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, तो डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं, इसलिए डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें। फिर से लेटर का जो है लेटर अरेंजमेंट से सवाल यहाँ पे देखा गया है, आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि ई और के की बात करते हैं, एम और एस की बात करें, इसके बाद ए और जी की बात करें क्या होगा, जैसे ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई 5, के का 11, एम का 13, एस का 19, दोनों में डिफरेंस 6 का जा रहा है, सही बात है, इसका 1, इसका 7, इसमें भी 6 का डिफरेंस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 6 का डिफरेंस हो, लेकिन अगर हम के से एम का डिफरेंस देखें तो कितना जा रहा है 2 का, क्योंकि के 11 होता है, एम 13 होता है, 11 2 13, उसी तरह अगर 7 के बाद 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है आई होता है, और आई के बाद यहाँ पे 6 का गैप चल रहा है, तो 9 6 15 15 का प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है ओ होता है, तो आंसर हो जाएगा आई ओ, ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। देखिए एक ऐसा भी सवाल आता है कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर जो पहली बार बनाए उनको काफ़ी दिक्कत हो सकता है, ठीक, कहा क्या गया कि भाई देखिए कि चांद को समुद्र कहा जाता है, मान लिया जा रहा है, ऐसा होता नहीं, चांद को समुद्र मान लिया जाता है, समुद्र को पानी कह दिया जाता है, पानी को हवा कह दिया जाता है, हवा को सूरज कह दिया जाता है, सूरज को नदी कह दिया जाता है, तो हमें बताइए कि प्रकाश गर्मी कौन देता है, तो प्रकाश गर्मी तो सूरज देता है, और यहाँ पे सूरज के बारे में बोला कि सूरज को क्या कहते हैं नदी कहते हैं, आंसर नदी होगा, है ना।
फिर से देखिए सीरीज का क्वेश्चन, काफ़ी सारे 4 से 5 सवाल सीरीज को देखने को बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सीरीज का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मैं इस पर भी वीडियो बना के यहाँ पर डालूंगा जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। सभी में गैप देख लीजिए, 4 का जा रहा है, अब की भी 4 का गैप करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 19। ठीक, फिर देख सकते हैं यहाँ पे कि है कि नीचे दिए गए 3 में से किसी तरह समान है, उनमें से एक भिन्न है। अब देखिए, अब यहाँ आपको साइंस का भी टेस्ट ले लिया गया, साइंस का भी टेस्ट ले लिया गया भाई। गंडमाला रोग, सूखा रोग, स्कर्वी रोग, सभी रोग, लेकिन फास्फोरस का एक एलिमेंट है। ठीक है, ये ऑड वन हो गया। अब देखिए ये जो देख रहे गैप वाला, इसको सजाने के लिए कई बार एग्जाम में 1 से 2 सवाल यहाँ पे देखने को बन सकते हैं, तो इसे आप पूरा करेंगे, एक श्रृंखला है इसे पूरा करेंगे, और अगर फर्स्ट वाले को इसमें फिट करते तो ये कहीं ना कहीं ये बाई बी बी बाई हो जाएगा, फिर बी बी बाई बाई हो जाएगा, है ना, बी बी बाई बाई हो जाएगा, फिर से बी बाई बाई बी हो जाएगा, तो मीन्स की इस तरह से एक लूप चलता चला जाएगा, है ना। देखिए फिर से सवाल सीरीज का, तो 4 से 5 6 सवाल देखने को मिलते हैं सीरीज से। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, कहाँ पे गैप हो रहा है और कितने का गैप चल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 43 5 48, इसमें 10 का गैप और इसमें कितना का गैप, देख सकते हैं कि 15 का गैप, तो 5 × 10 = 15 × 5 = 20, तो इसमें 20 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 93, है ना। चलिए अब वेल डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है कि भाई सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तो सामाजिक विज्ञान में ही दोनों आते हैं, इसलिए पहला नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक मिरर इमेज आ गया, ठीक है, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो भाई डी को अगर देखा जाए यहाँ से, अगर मिरर इमेज करते तो एस ऐसे आएगा, ओ तो सेम रहेगा, एल को अगर ऐसे घुमाते इस तरह से जाएगा, भी ऐसे जाएगा, ई ऐसे आएगा, और डी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपका है लेटर अरेंजमेंट करने वाला सवाल आता है कि लेटर जो लिखा है उससे अरेंजमेंट करेंगे, इन दोनों का जो रिलेशन होगा इनके साथ भी होगा और इनका भी आपको रिलेशन उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है, आसान होता है, आप करके देखेंगे बन जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बात किया गया, फिर से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग जिसके कहते हैं ऑस्ट्रिच, स्नेक और फ्रॉग, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग, यहाँ एक पक्षी है, यहाँ एक रेप्टाइल है, ठीक है, तीनों अलग अलग ही यहाँ पे चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ पे कहा गया कि फिर से कि भाई 4 जो शब्द दिया गया जिसमें कि एक रिलेशन, एक जिसमें कि अलग ही रिलेशन है, जैसे कि ड्रिलर से छेद करते, चाकू से काटते, ब्रश से पेंट करते, फ्रेम से ऐसा कुछ नहीं करते, फ्रेम में फ़ोटो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी क्या है, एक तरह के औजार का काम करता है, वो औजार का काम नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए फिर से डायरेक्शन वाले सवाल है भाई कि डायरेक्शन में क्या होता है कि भाई 5 किलोमीटर हम राइट गए, फिर लेफ्ट गए, राइट लेफ्ट इस तरह से रहता है और उसे आपको बनाना है, बहुत ही आसान होता है, बना लेंगे। फिर से देखिए डायरेक्शन का सवाल, 16 15 12 7, गैप देख सकते हैं तो कितना का जा रहा है, 1 3 5 का, 1 में 2 बढ़ा, 3 में 2 बढ़ा, आपकी 5 में 2 बढ़ेगा, 7, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से घट रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, तो 7 में 7 घटेंगे क्या बचेगा, 0। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे लेटर वाला है, लेटर इन दोनों के साथ जो रिलेशन होगा, इनके साथ इसके रिलेशन होगा, उसी तरह ट्रेन का रिलेशन बताना, तो आंसर जो होगा ये होगा। ठीक, अब आइए यहाँ पे इस तरह से आपको बताया गया कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो फिट होगा, वो होगा ये वाला, इसमें फिट होगा। तो देखिए यहाँ फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखने को बन रहा है भाई, 17 और 306 का रिलेशन आपको बताना है, 13 का किस क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, 17 का यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, तो यहाँ पे आप क्या ऐसा कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन यहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, 17 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 289, और इसमें 17 ऐड कर दीजिए, 306 आता है, उसी तरह 13 का स्क्वायर कीजिए, 169, इसमें 13 ऐड कीजिए तो 182, मीन्स की 182 आंसर होगा, है ना, आसान है, बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, फिर से एक 6 मित्र हैं, ठीक है, एक गोलाकार मेज है, इस सबसे बैठे हैं, अब इसमें इसको आपको अरेंज करना है, आप अरेंज कर लेंगे, बहुत ही आसान है, बन जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे नहीं आएंगे, कमेंट करके मैं बताइएगा, मैं इसे आपको समझा दूंगा। पहले कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते, उस श्रृंखला को पूरा करते, फिर से श्रृंखला मीन्स कि काफ़ी सारे 7 से 8 सवाल हमने देखा कि भाई अभी तक सीरीज से सवाल पूछे जा रहे हैं, 6 11 20 45 134, अगला क्या होगा,
कुछ नहीं, 5 का गैप है, 9 का गैप है, 25 का गैप है, 89 का गैप है, फिर इन दोनों का 4 का गैप है, 16 का गैप है, इसका 64 का गैप है। तो अब देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, मीन्स कि 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 21, 16 का स्क्वायर 256। 256 को इसको इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 345, और इस 345 को 134 में ऐड करते हैं तो 479 आंसर आता है ना। फिर से देख रहे हैं सीरीज का, शुरू से सवाल 3 का 90 से रिलेशन बताना है, उसी तरह 5 का 130 से रिलेशन बताना है, और 7 का क्या होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इससे डिविजिबल है, 5 से ये डिविजिबल है, तो 7 से कौन ऐसा होगा जो अंक डिविजिबल होगा, वो होगा 2450। ठीक, फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि लेटर कहा गया कि वे डी आर ओ एन ई, ड्रोन को डब्ल्यू आई एल एम के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा को डंकी को किस रूप में लिखा जाएगा, आप अलाइंस करेंगे आपसे बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कक्षा में 5 बच्चे हैं, अभी क्षमता परीक्षण में शामिल हुए हैं, और परिणाम रिपोर्ट में यह पाया गया कि ब्लॉक ए को ब्लॉक बी की तुलना में अंक कम अंक मिले, मीन्स कि ये डिफ्रेंसेस वाला है, ठीक है, ग्रेटर देन वाला है, सिंबल वाला, आप इसे करेंगे आपसे बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जितने भी थे क्वेश्चन रीजनिंग के, जो 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो आपको मैं पिछले जो साल हुआ था पेपर, उन पेपर का यहाँ पे जो एक्चुअल में जो पेपर में क्या है तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वीडियो हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा कमेंट करके, और इसके बाद जो होगा आपका जीके का, ठीक है, जीके का जो जितने भी 50 क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, इसके बाद आपके इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चन वो भी आपको करा दूंगा। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।